बाजू में मेरी माँ, मेरी माँ है। माँ माँ मैं आ रहा हूँ, माँ आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ, माँ चल।
मेरा आया जाता नहीं है।
प्रधान कुमार बीडीसी जी, बीडीसी प्रत्याशी है, प्रत्याशी है, प्रत्याशी है कि राम कुमार बीडीसी, ये भाई बड़ी निवासी है यादव जी, 20 रुपए बाबा के नाम दान दिए हैं। माँ से मुलाकात हुई, माँ से मुलाकात हुई, आज मैं बहुत खुश हुआ डॉक्टर साहब, और नहीं डॉक्टर साहब, आज माँ के हाथों से भोजन किया, अभी छोटा रहा है, अगर मेरी लाइफ में काम हो तो आप बताए बता करने के लिए क्या आपने कहा मैंने सुना जाएगी, गंगाराम जैसा मैंने कहा कोई गाय तो पागल रहेगा, गंगाराम भैया पाए थोड़ा दस ठेकेदान बाबा गिना Thank you.
दादी बहुत बड़ी होती है हमारी दादी। नाम तो तुम्हारा मेवा राम है, लेकिन ये बोलो कभी आपने मेवा खाया है नहीं? मेवा? हाँ, मेवा मिष्ठान बादाम मुनक्का करी क्या कर रहे भैया, बड़ा तकी ना हो। अच्छा ये बोलो कितना खा सकते हो? किलो खाना दो किलो ले से खा ले खो भूखा नहीं तो। हाँ तो आज आप मैं मेवा खिलाऊंगा। मेवा तो वो मोर भैया काके कमली हुआ था आपका करो। हाँ वो भैया जल्दी खवा दियो चाहिए हम। लेकिन ये काका ऐसी नहीं यार, अरे जरा सोचो, पाड़े ब्राह्मण क्या ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठे हैं ना, तो बस बता देते भैया तो बताओ चार दे बनाए तो। अच्छा किशन दार को नहीं पहुंचेगा भाई? नहीं भैया करना डॉक्टर साहब, आप इसे लेकर पालक खाए जाइए।
आइए, ठीक है। और लापरवाही से सबकी कर रही थी कि चाकू हाथ
नीमा, मैं भी डॉक्टर बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या करेगा डॉक्टर, थोड़ा सा लगा है, खून बह रहा है। अरे भाई लू हला है, आप टुकड़ो सो जा रहे हो। तू भाग जा बेटे, मैं तुझे नहीं बचा सकती हूँ, बचा सकती हूँ क्या करना। Oh, yes, sir!
बताएगा कि तोड़ा करके ये क्या बताएगा, उसकी यादा जा चुकी है, ये पागल है, कौन नहीं सकता। क्या तू बोलता है ठीक हो गया है भाई, तू ठीक हो गया है ना? कौन है श्री कोबरा जो तुझे कोबरा बताया गया है? वो दिन तो तुझे याद होगा ना, स्कूल में मेरे हाथों द्वारा टूटी फूटी का फूल हो गया था ना, याद है? मैं वहां से बाहर निकला था, आगे देखा तो बड़ी वाली पार्क में सेवाराम वेवाराम और उसके आदमी पिताजी को फांसी लगाकर नहीं 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 पिताजी को बचाना सका होना, मेरे नजरों के सामने उन्होंने बचाओ बचाओ करके प्राण छोड़ दिए। वो दरिंदे मेरे पीछे पड़े, मैं वहां से भाग निकला और गंगा मैया में कूद गया। उनके दर्शन से इधर उधर छुप छुपा कर रहता था। एक दिन शिवाराम के निवास से तो क्या देखा, शिवाराम वगैराम असली कोबरा, ये लोग किसी मंदिर का गाना चलाते लाए थे, आपस में देख रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा, मुझे डर आ गया, मैं मुझे मारा मारा किया, उसमें से मेरा राम ने उठाकर पत्थर मेरे सर पे मारा था। फिर मैं बेहोश हो गया, फिर मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे कोबरा पर भाई पत्थर लगने से दिमाग में चोट आ गई जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई। ये डॉक्टर आशा की मेहरबानी है जो तुम्हारी आवाज दोबारा लौट आई। आगे की कहानी तुम्हें नहीं याद है, मुझे याद है। वो हराम चादा शिवाराम है ना, असली कोबरा के बारे में उसे पता है, लेकिन अभी कानून की नजरों में तुम्हें एक अपराधी मुजरिम हो, तुम्हें जेल जाना होगा, ज्यादा दिन के लिए नहीं, मैं बहुत जल्द तुझे जेल से छुड़ा लाऊंगा। भाई हंसी खुशी से जेल जा, हूं ना मैं। कानून के बंधन में जिला भाई तेरे बंधन में, मैंने अपनी हकीकत बता दिया। कब के पीछे हुए हम Yeah.